हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैज़ान। स्वागत है आपका कैन आई टी यू में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ा था, आज के इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण में देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो चलिए रिलेशन देखते हैं। अभी आप सिर्फ बोर्ड पर समझेंगे, उसके बाद मैं नोट्स को सेपरेट बोर्ड पर नोट कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद आप नोट्स को नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण बनाएंगे। आप जानते हैं अवतल दर्पण बाहर से पेंटेड होता है और अंदरूनी भीतरी सरफेस रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। ये अपना कॉनकेव मिरर हो चुका हैगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिए प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से बनती है, मुख्य अक्ष और परावर्तक तल के मध्य बिंदु पर जो पॉइंट होता है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर आगे बढ़ने पर हम लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को फोकस मिलेगा, ठीक है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा, जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चलती है तो वो मिरर से रिफ्लेक्टेड होकर फोकस से जाती है, ठीक है? आगे देखेंगे, देखिए इसे हम लोग ए बी का नाम दे रहे हैं। जो भी किरण मिरर पर पड़ती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है यानी कि टकरा कर वापस जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था परावर्तन में, जब एक किरण इस तरह से टकरा रही थी और जा रही थी तो हम लोग लंब बना रहे थे, है ना? लंब बना रहे थे, उसी तरह अभिलंब कहते हैं जिसे हम लोग, इसमें भी हम लोग अभिलंब बनाएंगे। देखिए सी से इस तरह से अभिलंब बनाएंगे, देखें ये अभिलंब है, इस पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अभिलंब है। इसके बाद देखिए, आप सभी जानते होंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे कि ये ए बी सी हम लोगों ने ए और ये बी है नाम दे दिया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इनके रिलेशंस निकालने वाले होंगे। यहाँ भी एक कोण बनेगा, जैसे कि आप ट्रायंगल में जानते होंगे कि ट्रायंगल में तीन कोण्स होते हैं, हम लोग अभी फिलहाल इस पर बात करेंगे। देखिए एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ। क्या आप ये समझ पा रहे हैं ये कैसे हो रहा है? एंगल ए बी सी हम लोग किसे कह रहे हैं? देखिए एंगल ए बी सी, इस वाले एंगल को हम लोग कह रहे हैं आपतन कोण, ठीक है? अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और ये अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और हम लोगों ने परावर्तन के नियम में पढ़ा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण इक्वल होते हैं, ठीक है? जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं उसी तरह से आपतन कोण एंगल ए बी सी और परावर्तन कोण क्या है, एंगल सी बी एफ। तो इसको हम लोगों ने इक्वल कर दिया, यहाँ पर लिख भी देते हैं किसके नियम से, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम यूज किया है यहाँ पर हम लोगों ने। अभी देखिए ये एंगल ए बी सी और एंगल बी सी एफ इक्वल होंगे या नहीं होंगे बताइए। जी बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? देखिए एंगल ए बी सी और ये एंगल बी सी एफ क्या होंगे, ये अल्टरनेट एंगल होंगे। जी बिल्कुल अल्टरनेट एंगल होंगे, यानी कि एकांतर कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एंगल देखिए इस तरह से एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल एंगल बी सी एफ, ठीक है? ये बराबर होंगे किस नियम से, एकांतर
एकांतर कोण से, ठीक है, ये एकांतर कोण की वजह से बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखिए एकांतर कोण बन रहे, दो समांतर रेखाएं हैं और इसे हम लोग त्रियक रेखा मान ले रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गएंगे। अब क्या होगा, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि परावर्तन के नियम से एंगल ए बी सी और एंगल सी बी एफ इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो हम लोग ए बी सी की जगह क्या ये वाला एंगल लिख सकते हैं। देखिए ये एंगल इक्वल है, तो इस एंगल की जगह हम लोग ये वाला एंगल लिख लें, ठीक है, लिख लेते हैं। देखिए इस तरह से एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ठीक है, ये आप समझ गए कैसे हम लोगों ने किया है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते आएंगे, और आपतन कोण के बराबर ये वाला एंगल है एकांतर कोण से, तो हम लोगों ने आपतन कोण की जगह परावर्तन कोण रख लिया है, ठीक है, इक्वल है दोनों, तो हम लोगों ने इसको रिप्लेस करके ये रख दिया है। आप इतनी बात समझ गए। देखिए अब जब त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं तो उनकी भुजाएं भी समान होती हैं, सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इक्वल होगी, तो हम लोग क्या करेंगे इन्हें इक्वल ले लें। देखिए इस तरह से सी एफ इक्वल टू एफ बी, ठीक है, ये सी एफ को हम लोगों ने इस एफ बी के बराबर ले लिया, क्योंकि जब त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं तो उनकी भुजाएं भी समान होती हैं, इस तरह से हम लोगों ने ले लिया सी एफ इक्वल टू एफ बी, ठीक है। अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये दर्पण का अपर्चर यानी कि मिरर का अपर्चर द्वारक बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो क्या ये बी पॉइंट बहुत करीब नहीं होगा पोल के, क्या मान रहे हम लोग दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हैगा। दर्पण का द्वारक हम लोग किसे कहते हैं, गोली दर्पण के व्यास को, तो गोली दर्पण का व्यास अगर बहुत छोटा हो जाए यानी कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए तो ये बी वाला पॉइंट एकदम जस्ट पी के पास होगा, तो हम लोग क्या एफ बी को एफ पी के इक्वल लिख सकते हैं, जब ये वाला पॉइंट इसके बहुत करीब होगा तो ये दोनों इक्वल से लगेंगे, अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगे, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे एफ बी को इक्वल कर लेंगे पी एफ के। देखिए इस तरह से एफ बी इक्वल टू पी एफ, ठीक है, आप इतनी बात समझ गए, इसे मैं अभी सेपरेट नोट कर दूंगा, ठीक है, आप पहले समझ ले से खूब। देखिए ये बी को हम लोगों ने बहुत छोटा यानी कि अपर्चर को हम लोगों ने बहुत छोटा मान लिया, जिसकी वजह से ये पॉइंट बहुत करीब आ गया है ध्रुव के, जब ये पॉइंट बहुत करीब आ जाएगा तो ये बी एफ और ये पी एफ इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल मान सकते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहेंगे, तो जब ये एफ बी को पी एफ के इक्वल ले लिया हम लोगों ने, हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोग मेन मुद्दे पर आएंगे। देखिए हम लोगों को पी सी निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन निकालना, तो और हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं। देखिए पी सी इक्वल टू, ये पी सी इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दो पार्ट्स में तोड़ना है, स्प्लिट्स कर सकते हैं। देखिए पी एफ इक्वल टू सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, देखिए हम लोग इस पूरे को दो हिस्से में लिख ले रहे हैं, कैसे पी एफ प्लस सी एफ करके, ओके, इतना आप समझ गएंगे, पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस सी एफ, और देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ाएगा सी बी सी एफ के इक्वल है, ठीक है, सी बी सी एफ के इक्वल है और एफ बी पी एफ के इक्वल है, तो हम लोग सी एफ और एफ बी ये इक्वल है, तो पी एफ की जगह पर सी एफ की जगह पर हम लोग पी एफ लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं और ये इसके बराबर है, यानी कि ये इसके भी बराबर है, ठीक है, जब देखिए ये एफ बी और ये एफ बी दोनों हैं, ये एफ बी सी एफ के इक्वल है और ये एफ बी पी एफ के इक्वल है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस सी एफ और पी एफ इक्वल हैंगे, तो हम लोग पी एफ लिख लें, सी एफ की जगह पर लिख सकते हैं बिल्कुल, तो पी सी इक्वल टू देखिए क्या बनेगा टू पी एफ, ठीक है, टू पी एफ बनेगा। अब देखिए हम लोग बहुत करीब हैं अपने आंसर्स के, पी एफ क्या होता है हम लोग जानते हैं, फोकल लेंथ होता है,
PF क्या होता है फोकल लेंथ और PC क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए इस PC इक्वल टू 2PF को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, PF क्या है फोकस है और PC क्या है R है रेडियस, तो PC को हम लोगों ने रेडियस रख दिया है और 2F ठीक है, PF की जगह हम लोगों ने F रख दिया है। अब देखिए F निकालेंगे हम लोग, F इक्वल टू R बाई टू, ये देखिए F इक्वल टू R बाई टू आ चुका है। कैसे आया अभी हम लोगों ने देखा, ये PC इक्वल टू 2PF हो चुका था और PF को हम लोग क्या जानते हैं, PF को हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ होता है और फोकल लेंथ होता है तो हम लोगों ने PF की जगह पर F रख दिया है और PC इक्वल टू क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम लोगों ने इसके जगह R लिख दिया है और सिंपल रिलेशन आ चुका है F इक्वल टू R बाई टू। ठीक है, आई होप आप समझ गए, इसे मैं एक बार और समझाऊंगा क्लियर नोट्स में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो चलिए हम लोग अपने नोट्स को क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से समझेंगे लाइन बाय लाइन। ये नोट्स बहुत ही इजी हैं, आप इसे 10th और 12th के लिए यूज़ कर सकते हैं इन नोट्स को। ठीक है, आप अच्छे से लाइन बाय लाइन समझेंगे और उसी लाइन के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जैसा कि हम लोग पहले ही इसे समझ चुके हैं, बस अपने नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ पाएँ इसलिए हम लोग एक बार और सीखेंगे इसे कि क्या कैसे हो रहा था। तो चलिए देखते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या माना था, M1 M2 एक दर्पण था, तो अकॉर्डिंग टू आपके लिए हम लोग अपनी जैसे नोट्स में उसी लाइन के अकॉर्डिंग समझेंगे। देखिए माना M1 M2 एक दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण AB। इतना समझते हैं पहले, कह रहे हैं माना दर्पण M1 M2 है, ठीक है, उसका उसका ध्रुव है P और फोकस F है और वक्रता केंद्र क्या है C है। ठीक है, आप इतना समझ चुके हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस पर ही डिटेल में बात करी है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले लेक्चर को जरूर से जरूर देखें। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं वक्रता केंद्र C है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण AB दर्पण से टकराती है जो कि परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है, इतना समझते हैं हम लोग। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी रेखा चलती है तो वो दर्पण से टकरा कर यानी कि परावर्तन के बाद दर्पण से टकरा कर फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया है। उसके बाद क्या करें, दर्पण के बिंदु B को C से मिलाने पर अभिलंब C भी प्राप्त होता है। ठीक है, हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब भी परावर्तन होगा तो उस पर अभिलंब भी होगा। ठीक है, इस प्रोसेस में पूरे अभिलंब भी था। ठीक है, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो अभिलंब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, वक्रता केंद्र से B पर यानी कि जिस पॉइंट पर किरण आपतित हुई है उस पॉइंट को वक्रता केंद्र से मिला लेंगे और उसी पॉइंट पर हम लोग क्या कहेंगे, लाइन CB को अभिलंब कहेंगे। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, कोण के बारे में एनालिसिस करेंगे इसी नोट्स में। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBF, कैसे पढ़ा था हम लोगों ने, परावर्तन के नियम से। उसी तरह मैंने इस बार देखिए पूरे नोट्स को लिख दिया है, आप इसे ऐसे ही उतारेंगे, एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBF परावर्तन के नियम से। ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल है परावर्तन के नियम से, क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आगे देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्यों, देखिए एकांतर कोण मैंने लिख दिया है, आप इसी अकॉर्डिंग एकदम उतारेंगे, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCF, एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBF इक्वल होंगे, क्यों, एकांतर कोण बराबर होते होंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए जब दो कोण, क्या लिखा है, देखिए त्रिभुज के समान कोणों की भुजा समान होती है, तो त्रिभुज के जब ये दो कोण समान हैं तो इनकी ये दो भुजाएं भी समान होंगी। इस तरह से देखिए त्रिभुज के जब दो कोण समान होते हैं तो उनकी भुजाएं समान होती हैं, ये CF और ये F भी बराबर होंगे। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया है, आगे बढ़ेंगे, देखिए BF और CF क्यों बराबर हैं, ये CF और ये FB क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये समान त्रिभुज के दो कोण समान हैं तो इनकी भुजाएं भी समान होंगी। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया है। अब देखिए
ये बी एफ इक्वल टू पी एफ क्यों हो रहेंगे, ये वाला ये इनके बराबर क्यों हो रहा है, ये एफ बी ये एफ पी के बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या मान लिया है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसे हम लोग क्या कह रहे थे, व्यास को, गोली दर्पण के व्यास को हम लोग दर्पण का द्वारक कह रहे थे, और ये बहुत ही छोटा हो जाए तो ये बी पी के एकदम निकट यानी कि करीब आ जाएगा, और करीब आएगा तो ये एफ बी को हम लोग पी एफ के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वही किया, देखिए बी एफ यानी कि इस वाले पार्ट को एफ बी या बी एफ कुछ भी बोल सकते हैं, इस वाले पार्ट को ये पी एफ के इक्वल रख दिया, ठीक है, इसको इस वाले को इसके इक्वल रख दिया। जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो एकदम करीब आ जाएगा, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग ये निकाल रहे थे पी और सी यानी कि दर्पण के ध्रुव और सी के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या हम लोग निकाल रहे थे, तो इसे हम लोगों ने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, देखिए पी एफ और सी एफ के रूप में, ठीक है। पी एफ प्लस सी एफ क्या बनेगा, इक्वल टू पी सी, इन दोनों को अगर हम लोग आधे आधे में करेंगे तो ये आधा और ये आधा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है, आप इतना समझ गए, क्लियर है। देखिए जब ये दोनों बराबर हैं, पी एफ ये है और सी एफ क्या है, सी एफ इस वाले बी एफ के बराबर है, ठीक है, और ये बी एफ पी एफ के बराबर है, तो क्या हम लोग इस सी एफ को इस सी एफ की जगह पर इस पी एफ को रख सकते हैं। देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। एक बार और देखें, ये बी एफ सी एफ के इक्वल है और ये बी एफ पी एफ के इक्वल है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सी एफ और पी एफ। तो हम लोग ने सी एफ की जगह क्या किया, पी एफ को रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ भी पी एफ यहाँ भी पी एफ, तो क्या हो जाएगा, टू पी एफ। अब मैंने आगे लिखा यहाँ पर, देखिए टू पी एफ हो गया है ये, तो हम लोगों को पी एफ निकालना था, तो पी एफ इक्वल टू पी सी अपॉन टू, ये वाले पी सी इक्वल टू टू पी एफ को कैसे लिखा हम लोगों ने, पी एफ इक्वल टू पी सी अपॉन टू, ठीक है। और पी एफ को हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ कहते हैं, तो फोकल लेंथ इक्वल टू पी सी अपॉन टू, पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो देखिए पी एफ को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस फोकल लेंथ पी एफ, ठीक है। और पी सी क्या होता है, ये पी सी रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसे हम लोग आर लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना एक अपना, एफ इक्वल टू आर बाई टू, एफ इक्वल टू आर बाई टू, ये हम लोगों के बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आई होप कि आप ये आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग इतना रखेंगे और थोड़े अभी एग्जांपल्स करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग कुछ, जैसा कि अभी हम लोग ने थ्योरी पढ़ी है, अपने थ्योरी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अभी हम लोग ने रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में पढ़ा है, तो उसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया होगा उसे नोट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखिए पहले क्या करेंगे, आंसर नंबर वन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर नंबर वन डाला आएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या दिया है हम लोगों को, लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है, फोकस दूरी 10 मीटर, F इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। ये चीज देख ली हम लोगों ने, पूछा क्या है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है और ये दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे, अभी हम लोगों ने एनालिसिस की है कि क्वेश्चन में क्या दिया है क्या पूछा है, ठीक है। अब हम लोग प्लान करेंगे और उसके बाद अटैक करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी प्लानिंग में क्या शामिल होगा, फार्मूला। तो फार्मूला क्या है इसका, एफ इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है, ये फार्मूला हो गया अपना, एफ इक्वल टू ऐसा ही रखेंगे, क्या दिया हम लोगों को, एफ दिया, तो एफ की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 10 पुट करेंगे, 10 इक्वल टू आर की जगह आर रखेंगे, क्योंकि हम लोगों से आर पूछा है, देखिए आर पूछा आएगा डिवाइडेड बाई टू, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 इक्वल टू आर, आर की क्या वैल्यू आई है,
आर की वैल्यू आई है 20 इक्वल टू आर, या आर इक्वल टू 20 भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, आर की वैल्यू निकाली हम लोग ने, कैसे निकाली देखिए। सबसे पहले हम लोग ने आंसर नंबर वन लिखा है, आप सॉल्यूशन नंबर वन भी लिख सकते हैं। पहला एग्जांपल कर रहे थे हम लोग ने, दिया है, क्या दिया है, 10 मीटर फोकस दूरी है, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना, यानी कि अवतल दर्पण की त्रिज्या बतानी थी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला नोट किया, ठीक है, फॉर्मूला नोट किया। उसके बाद जो वैल्यूज दी थी वो उसकी जगह पुट कर दी, एफ दिया था हम लोगों को, एफ हम लोगों ने पुट कर दिया। उसके बाद आर की वैल्यू सिंपली निकाल ली। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ एक रिलेशन से हम लोग ये क्वेश्चन करने लगे हैं, और ज़रूरी नहीं ना अगर आप फार्मूला ही याद कर लें तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दर्पण की फोकस दूरी एफ है तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या है। अभी यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या आया था देखिए, फार्मूला हम लोगों ने निकाला था एफ इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है। तो रिलेशन निकालना है हम लोगों को, सिंपली पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आंसर नंबर क्या है, टू है, ये टू एफ हो जाएगा और ये इक्वल टू आर, टू एफ इक्वल टू आर। इसमें चेक करिए कहां पर दिया आएगा, टू एफ इक्वल टू आर, ये देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड, कब आया, यूपी 2014 में, ठीक है। देखिए इतने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ एक रिलेशन से हम लोग कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सिर्फ हम लोगों ने फार्मूला लिखा और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और देखिए 2f इक्वल टू r आ गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग और भी रिलेशंस पढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करने वाले हैं। इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम लोग एक और रिलेशंस पढ़ेंगे u, v एंड f का, और उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक अपवर्तन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एग्जांपल्स करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आने वाले लेक्चर में हम लोग और भी रिलेशंस और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हिंदी मीडियम्स के लेक्चर नोट्स के साथ स्टडी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैन आई टीच यू, थैंक यू अगेन।